हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज़ और भौमिक समय सारणी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी, लगभग 4.6 अरब साल पहले हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा कालखंड है। इसको तरीके से पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने इस कालखंड को कई कल्प में, कई महाकल्प में, कई युगों में इसको बांटा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस इतने लंबे बड़े समय खंड को, कालखंड को किन किन कालखंडों में बांटा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4.6 अरब साल बहुत बड़ा समय है, तो जो 4.6 में जो शुरू के 0.6 अरब वर्ष जो हैं, उसमें किसी जीव, किसी वनस्पति की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो इसीलिए उस 0.6 अरब वर्ष के कालखंड को बोलते हैं एजोइक, या हम लोग इसको बोलते हैं अजीवी। इसको क्या बोलते हैं? अजीवी। तो फिर इस कालखंड में क्या हुआ था? इस कालखंड में पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट है, जो भूपरपटी है, केवल उसी की संरचना हुई थी। 4.6 बिलियन ईयर्स का समय है, जो शुरुआत के 0.6 अरब वर्ष हैं, उसमें किसी प्रकार के प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसमें केवल पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट की संरचना हुई थी, इसीलिए उस कालखंड को हम लोग अजीवी बोलते हैं, एजोइक बोलते हैं। बाकी का जो 4 अरब वर्ष हैं, जो 4 अरब वर्ष हैं, उनको किस किस तरीके से बांटा है साइंटिस्ट ने, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी समय की जो इकाई है, इस 4 अरब वर्षों को हमने 6 महाकल्पों में बांटा है। 6 महाकल्प, महाकल्प को बोलते हैं एरा। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए आर्कियोजोइक, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है जोइक, और जिसका मतलब है जीवी, मतलब यहाँ पे जीवों की या वनस्पति की उत्पत्ति हुई है। जो शुरू के 0.6 अरब वर्ष हैं उनको अजीवी बोला है, और जो बाद के जो 4 अरब वर्ष हैं उनको जीवी बोला है। तो देखिए, हमने 4 अरब वर्षों को 6 महाकल्पों में बांटा है, उसमें से पहला है आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटीरोजोइक, तीसरा है पैलियोजोइक, चौथा है मीजोजोइक, पाँचवा है सीनोजोइक, और छठवा है नियोजोइक। तो टोटल कितने महाकल्प हैं, कितने एरा हैं? 6। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर टोटल है 6 एरा। अब इन एरा को बांट दिया जाता है इपोक में, इपोक। अब समझ लीजिए, एरा को बोलते हैं महाकल्प, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें से बहुत बड़ा ब्रॉड, ये एकदम अध्ययन का विषय है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, That I am going to discuss here only, ठीक। तो देखिए, महाकल्प, महाकल्प को बांट दिया गया इपोक में, इपोक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं युग। और फिर युगों को बांट दिया गया कल्प में, कल्प को क्या बोलते हैं? कल्प को बोलते हैं पीरियड्स, या इसको बोलते हैं शक, ठीक। तो आप लोग देखिए, 4 अरब वर्षों को किसमें बांटा? महाकल्प, एरा। एरा को किसमें बांटा? इपोक। इपोक को किसमें बांटा? कल्प में या पीरियड्स में। तो आप लोग ये सीक्वेंस याद रखें, एरा, इपोक और पीरियड, ठीक है। अब देखिए, 6 महाकल्प हैं, इन महाकल्पों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उस बेसिस पर इनको बांटा गया है, और फिर इन महाकल्पों को फिर और छोटे छोटे पीरियड्स में बांट दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके उन सबको अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला है मेरे पास आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक 4 अरब वर्ष पूर्व, और 4 अरब वर्ष से कब तक चला है ये? 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक चला है। मतलब क्या है कि 4 अरब वर्ष से ये चलता गया 2.5 अरब वर्ष तक। तो इसका मतलब इसकी समय अवधि कितनी रही है? इसकी समय अवधि रही है 1.5 अरब वर्ष। ये 1.5 अरब साल तक आर्कियोजोइक एरा रही है। इस आर्कियोजोइक एरा में सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई है कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना हुई है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? जो पूर्व केंद्रक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें केंद्रक पूरा अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या पूर्व केंद्रक कोशिकाएं। तो किसमें हुई है ये आर्कियोजोइक एरा में हुई है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोटीरोजोइक, प्रोटीरोजोइक कब तक रहा है? देखिए, 2.5 अरब वर्ष से लेकर
59 करोड़ वर्ष तक, इस इतना जो कालखंड है ये है 1.91 अरब वर्ष। तो आप लोग देख लीजिए हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा समय तक जो महाकल्प रहा है वो प्रोटीरोजोइक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास 6 महाकल्प हैं, 6 महाकल्प में सबसे बड़ा महाकल्प कौन सा है, प्रोटीरोजोइक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई थी, आर्कियोजोइक में प्रोकैरियोटिक, प्रोटीरोजोइक में यूकैरियोटिक। अब ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं को, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, मतलब केंद्रक होगा, केंद्रक की झिल्ली होगी, केंद्रिका के अंदर जो केंद्रिका छोटी सी स्ट्रक्चर और पाई जाती है वो भी पाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग पैलियोजोइक, ये है तीसरा महाकल्प, मतलब 2.5 अरब वर्ष से लेकर 59 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ये इतना जो समय है वो किसके लिए है, वो पैलियोजोइक के लिए। और पैलियोजोइक में एक बहुत बड़ी घटना हुई, वो घटना क्या थी कि आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक में जो जीवन था वो केवल समुद्र तक सीमित था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति की बात हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति की बात हो, तो ये सब किसमें हो रही थी, समुद्र के अंदर। पैलियोजोइक एरा जब महाकल्प जब आया तो इसमें समुद्र से जीवन कहाँ पर आया, स्थलखंड पर आया। तो स्थलखंड पर जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई है, पैलियोजोइक एरा में हुई है, पैलियोजोइक महाकल्प में हुई है। अब इस पैलियोजोइक महाकल्प को, बहुत बड़ी समय अवधि है ये, इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको छोटे छोटे कल्प में बांट दिया है। अब समझिए आप लोग, ये महाकल्प है, इस महाकल्प को, तीसरा जो महाकल्प है उसको द्वारा से 6 छोटे छोटे कल्प में बांट दिया है। उसमें से पहला कौन सा है, कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोविसियन, तीसरा है सिल्यूरियन, चौथा है डेवोलियन, और पांचवा है कार्बोनिफेरस, और छठवां है परमियन। ये आप लोग बार बार देखेंगे, देखिए अगर आप लोग इसको स्किप करेंगे इसमें से एक या दो क्वेश्चन बमुश्किल, एक या दो क्वेश्चन इसमें से बनता है, लेकिन हम लोग इनको स्किप नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को दूसरों से बढ़त हासिल करनी है तो कोई भी टॉपिक आप लोग छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, सबसे बड़ा महाकल्प कौन सा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और आप लोग इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली गलत करके रहोगे। तो दूसरों से अगर बढ़त हासिल करनी है तो हमको सभी टॉपिक अच्छे से पढ़ने होंगे, और इस टॉपिक का तो बहुत विस्तृत अध्ययन है, लेकिन उसमें से भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कैम्ब्रियन जो कल्प है इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई, देखो इनमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, और विशेषकर हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भूगोल में भी आएगा, लेकिन हम अपने बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए कैम्ब्रियन में जो इम्पोर्टेंट घटना हुई वो ये हुई कि यहाँ पर तलछटी चट्टानों का निर्माण हुआ। तलछटी चट्टानें क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको अवसादी शैलें कहते हैं, जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट घटना क्या हुई भाई यहाँ पर अवसादी शैल मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स और जीवाश्म, यहाँ पर जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट घटना हुई कि हमारे भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली, वो इसी की है, कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन कल्प की समय की है, कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि हम लोग जंतु जब पढ़ेंगे, जंतु वर्गीकरण करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एनीलीडा और आर्थ्रोपोडा। एनीलीडा जंतु क्या होते हैं, जिनका शरीर सेगमेंट्स में विभाजित होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, जैसे केंचुआ आपने देखा होगा, केंचुआ के शरीर पे ऐसे ऐसे लाइन बनी रहती हैं, जैसे टेप वर्म, फीता कर्मी, इस तरह से। तो ये जो एनीलीडा है और आर्थ्रोपोडा वो हैं जिनके पैर कई जॉइंट्स में बटे रहते हैं, जैसे कॉकरोच है, ठीक है, ये मकड़ी है, ये आर्थ्रोपोडा है। इनके बीच की जो कनेक्टिंग स्पीसीज है वो है पेरीपेटस, तो उसका उद्भव भी इसी समय में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो कैम्ब्रियन युग में अवसादी सेनों का निर्माण हुआ जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला इसी युग की है, और एनीलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की जो कनेक्टिंग स्पीसीज है पेरीपेटस, एक बार नाम लिख देता हूं मैं, पेरीपेटस,
ये पेरिपेटस इसी इसका उद्भव जो है वो इसी कल्प में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑर्डोविसियन, ये ऑर्डोविसियन युग में जो इंपोर्टेंट घटना हुई है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर ओरिजिन हुआ कॉर्डेटा का, कॉर्डेटा। जब हम लोग जंतु वर्गीकरण करेंगे तो वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कॉर्डेटा क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जंतु जिसमें कॉर्डेटा पाया जाता है उनको कॉर्डेटा बोलते हैं। तो ऑर्डोविसियन में क्या हुआ, कॉर्डेटा का उद्भव हुआ है। यहां पर क्या हुआ था, एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा का जो कनेक्टिंग स्पीसीज है पेरिपेटस, यहां पर कॉर्डेटा। अब आ जाइए सिल्यूरियन, सिल्यूरियन कल्प, इसमें क्या हुआ, इसमें वर्टिब्रा ग्रो हुए, वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उस उनका उद्भव हुआ था सिल्यूरियन कल्प में। तो हम लोग इस कालखंड को बोलते हैं एज ऑफ वर्टिब्रेट्स, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक, वर्टिब्रेट्स का मतलब रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है। और इसमें क्या हुआ, इसमें विंध्यांचल, महादेव, सतपुड़ा, भारत की जो विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला है, महादेव है, सतपुड़ा है, उसका भी निर्माण इसी युग में हुआ है। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग डेवोनियन पर। डेवोनियन में क्या हुआ, देखिए डेवोनियन में इसको बोलते हैं एज ऑफ फिश, मछलियों का उद्भव यहाँ पर हुआ है। देखिए आप लोग देखिए क्रम वाइज, यहाँ पर पेरिपेटस, यहाँ पर कॉर्डेटा, यहाँ पर वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर एज ऑफ फिश, यहाँ पर मछली की उद्भव हुआ है, मछली की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब आइए कार्बोनिफेरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिफेरस में जो उभयचर प्राणी होते हैं, उभयचर कौन से होते हैं, जो जीव और भूमि दोनों पर रहते हैं, जैसे मेंढक है, तो इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस उभयचर का युग, एज ऑफ एम्फीबियंस इसको बोलते हैं। और बड़े वृक्षों का काल, यहां पर क्या हुआ था, बड़े बड़े वृक्षों का उद्भव हो गया था और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ यहां पर हो गए थे, तो इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस और बड़े वृक्षों का काल। अब आते हैं हम लोग परमियन पर। यहां परमियन में क्या हुआ, परमियन में ये बन, यहां पर बनेंगे सुपर कॉन्टिनेंट्स, जो महाद्वीप अलग अलग थे वो सब इकट्ठे हो गए। तो परमियन में क्या हुआ, जो महाद्वीप इकट्ठे हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, पेंजिया, इसको बोलते हैं पेंजिया। तो समझ में आया आप लोगों के, पैलियोजोइक को 6 कल्पों में बांट दिया गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं COSD फिर CMCP, COSDCP, आप लोग शॉर्ट किट कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई तभी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। यहाँ पर पता चली आपने केवल शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली और एग्जाम में, तो शॉर्ट ट्रिक से आंसर सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अंदर की नॉलेज पता है तब शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग अपनाओगे तो अच्छे से अब आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मीजोजोइक पर। अब मीजोजोइक में क्या हुआ, देखिए मीजोजोइक में यहाँ पर क्या आते हैं हमारे पास, एम्फीबियंस और फिर पेंजिया का निर्माण हो गया। यहाँ पर इसको बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स, यहाँ पर रेप्टाइल्स का बड़ी ही वृद्धि हुई। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो जमीन पर रेंग के चलते हैं, और उस समय रेप्टाइल्स में क्या थे, डायनासोर थे। तो देखिए ये जो रेप्टाइल्स का युग है, क्योंकि यहाँ पर रेप्टाइल्स की वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, इसीलिए इस एज को रेप्टाइल भी बोला जाता है। ये जो मीजोजोइक जो एरा है, ये मीजोजोइक एरा मतलब महाकल्प को 3 कल्पों में बांट दिया गया, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायासिक में क्या हुआ, ट्रायासिक में ये जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स कैसे हैं, सरीसृप, रेप्टाइल से बने मैमल्स। और कौन सा मैमल्स, जो निम्न स्तर का मैमल है जिसको बोलते हैं प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया। ये प्रोटोथीरिया कैसा है, ये अंडे देने वाला मैमल है, ऐसा मैमल जो अंडे देता है, क्या है वो, प्रोटोथीरिया। कब हुआ इसका उद्भव, ट्रायसिक में हुआ था। ठीक है, अब आइए जुरासिक। जुरासिक तो नाम से ही पता चल रहा है, जुरासिक वर्ल्ड आपने एक मूवी देखी होगी, इसमें डायनासोर का उद्भव मतलब डायनासोर की वृद्धि सर्वाधिक हुई थी। तो जुरासिक युग जो है, जुरासिक कल्प जो है, यहाँ पर डायनासोर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। और क्या हुआ, जो प्रोटोथीरिया है, प्रोटोथीरिया से मिल गया मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया से क्या बन गए, मेटाथीरिया। मेटाथीरिया कैसे होते हैं, स्तनपाई, ये बच्चों को जन्म देते हैं।
देखो रेप्टाइल से बना प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया भी एक मैमल था, मैमल का मतलब जिनमें स्तन पाए जाते हैं, ऐसा मैमल था जो अंडे देता है। जुरासिक में प्रोटोथीरिया से क्या बन गया? मेटाथीरिया। मेटाथीरिया मतलब बच्चे देने वाला स्तनपायी, बच्चे देने वाला मैमल्स। फिर आते हैं क्रिटेशियस पीरियड में, क्रिटेशियस कल्प में। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो डायनासोर्स की वृद्धि हुई थी वो यहाँ पर कम होने लग गई। और कम होने लग गई का मतलब क्या है कि यहाँ डायनासोर डेथ की ओर अग्रसर हो गए, मतलब ऐसा माना जाता है कि डायनासोर की मृत्यु ही यहाँ पर स्टार्ट हो गई। मतलब पृथ्वी से एक उल्कापिंड टकराया क्रिटेशियस पीरियड में और डायनासोर अचानक से गायब हो गए। और उनके साथ साथ जो पृथ्वी पर लगभग 70% जो स्पीसीज थी वो भी यहाँ पर विलुप्त हो गई। मतलब कोई उल्कापिंड टकराया पृथ्वी से और पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई। फिर हम लोग आते हैं सीनोजोइक, इसको बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। देखो ये था एज ऑफ रेप्टाइल्स, इसको बोलेंगे एज ऑफ मैमल्स। यहाँ पर स्तनपायियों का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था, एज ऑफ मैमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अच्छा एक पॉइंट और, क्रिटेशियस में भारत का जो दक्षिण भाग है जहाँ पर पठार पाया जाता है, वहाँ पे बेसिकली ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पे वो जावा का निक्षेपण हुआ है, उसका लावा का, तो वो क्रिटेशियस युग में ही हुआ है। हम लोग इस यहाँ पर केवल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में जो भौगोलिक संरचनाओं में जो बदलाव हुआ है उसको भी स्टडी किया जाता है। अभी के लिए हम लोग इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। एज ऑफ मैमल्स, हमारे पास आया पैलियोसिन। ये पैलियोसिन में क्या क्या हुआ उसको देखिए। जितने भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, मतलब जितने भी वलित पर्वत हैं, उन सब का निर्माण इसी महाकल्प में हुआ है। किसमें? सीनोजोइक में हुआ है। अब ये जो फोल्डेड माउंटेन है कौन कौन से हैं, जैसे एल्पाइन माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स है, भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये सब वलित पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ एज ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वतों की श्रृंखला का निर्माण सीनोजोइक महाकल्प में हुआ था। अब आते हैं हम लोग पैलियोसिन, पैलियोसिन में एल्पाइन का निर्माण हुआ, एल्पाइन पर्वत श्रृंखला है वो बने पैलियोसिन में। फिर आते हैं हम लोग ईओसिन में, ईओसिन में भारत का जो वृहद हिमालय है, जो ग्रेटर हिमालय है, वो हुआ यहाँ पर वृहद हिमालय, ठीक है। और बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पर कि बड़े बड़े जानवरों की उत्पत्ति हुई, जैसे हाथी, गैंडा है ना, इनकी उत्पत्ति, घोड़ा, उनकी उत्पत्ति हुई ईओसिन कल्प में। फिर आते हैं हम लोग ओलिगोसिन, यहाँ पर पूंछ विहीन बंदर की उत्पत्ति हुई, ऐसा बंदर जिसकी पूंछ नहीं थी, पूंछ विहीन बंदर। फिर आते हैं हम लोग मायोसिन पर, मायोसिन में करें तो मध्य और लघु हिमालय का निर्माण यहाँ पर हुआ है, और शार्क मछली का उद्भव भी यहाँ पर हुआ है, शार्क मछली और पेंगुइन, इनका भी विकास इसी कालखंड में हुआ है। अब ये जो हमारे पास है प्लियोसीन, यहाँ पे मानव का उद्भव हुआ है, यहीं पर उत्तर का विशाल मैदान भी इसी कालखंड में बना है। उत्तर का हम लोग जानते हैं गंगा यमुना का मैदान जो है उसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, तो ये भी इम्पोर्टेंट घटनाएं इन्हीं कालखंडों में हुई हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं छठवां महाकल्प है हमारे पास नियोजोइक। इस नियोजोइक में क्या हुआ देखिए, यहाँ इस महाकल्प को हमने दो कल्पों में बांट दिया। पहला है प्लीस्टोसीन, ये जो प्लीस्टोसीन है यहाँ पर हुआ हिम युग, मतलब पृथ्वी पर शीतकाल शुरू हो गया, हिम युग हो गया, तो जितने भी जीव थे वो सब स्थानांतरण हो गए, जिसको जहाँ जहाँ पर जगह मिली, जहाँ जहाँ पर उनका अनुकूलन हो गया वो वहाँ पर विस्तृत हो गए, विस्तार उन्होंने ले लिया। और प्लीस्टोसीन में एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई कि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं, हमने देखा है नॉर्थ अमेरिका में कनाडा कंट्री में ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट वियर इस तरह से लेक्स पाई जाती हैं, तो उन ग्रेट लेक का निर्माण इसी प्लीस्टोसीन कालखंड में हुआ है। और मानव का विकास क्रम जारी रहा, मानव का विकास क्रम जारी रहा है। अब एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, मानव का उद्भव किसमें हुआ है? प्लियोसीन में। मानव का विकास क्रम जारी मतलब मानव का उद्भव हो गया तो लगातार मानव ने क्या किया है? विकास किया है, तो वो विकास क्रम जारी रहा प्लिस्टोसीन में। और होलोसीन में मानव विकसित होकर मानव ने क्या शुरू कर दिया?
मानव ने पशुपालन और कृषि प्रारंभ कर दी, कृषि प्रारंभ कर दी। और इस होलोसीन पीरियड को ही हम लोग फिर बांट देते हैं पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। फिर यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, बेसिकली हम लोग मानव के उद्भव को पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मानव के उद्भव से पहले और क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो ये बहुत छोटे से नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के। आप लोग ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, और फिर चाहें तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं आप लोग, इनको अपनी मेमोरी में रखने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग बना सकते हैं। लेकिन इतनी नॉलेज अगर आपको है तो शॉर्ट ट्रिक बनाने के बाद आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएंगे। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ। देखिए, जो 4.6 बिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड है उसमें जो शुरू के 0.6 अरब वर्ष हैं उसमें कोई भी जीवन की कल्पना नहीं हुई, उसको बोला गया अजीवी या एजोइक। जो 4 अरब वर्ष हैं उनको हमने अलग अलग कालखंडों में बांटा है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए। तो हमने इस 4 अरब वर्षों को 6 महाकल्पों में बांटा है, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक, अब ये जो महाकल्प हैं इनको बांट दिया जाता है युग में। अब युग क्या है? इपोक, EPOCH। ये मैं क्रम आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ। देखिए, ये है, हमने पढ़ा है एरा। एरा क्या है? महाकल्प। ठीक है, एरा को बांट दिया जाता है इपोक में, और इपोक को फिर बांट दिया जाता है पीरियड्स में। आप समझिए, हमारे पास 6 तो एरा है, 6 महाकल्प हैं, फिर उसके बाद इन महाकल्पों को बांट दिया गया इपोक में, मतलब युग में बांट दिया गया। वो युग कौन कौन से? देखो, पैलियोजोइक को बोलते हैं प्राइमरी युग, प्राथमिक युग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी युग, इसको बोलते हैं टर्शरी, और इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी। 6 महाकल्प हैं, 4 युग हैं, और फिर इनको बांट दिया गया है कल्प में या शक में, मतलब इनको बांट दिया गया है पीरियड्स में, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है। ठीक है, तो इनमें इंपोर्टेंट जो भी पॉइंट थे वो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भौमिक समय सारणी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, पॉइंट वाइज तरीके से आप लोगों के सामने ये चैप्टर रखा है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हों, कोई भी टॉपिक आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। और विशेष तौर पर अगर आप लोग किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।